CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम। छात्रों के साथ एक खेल खेला जाएगा, इसे प्रस्तुत कर रही हैं LG सुमित्रा। दोस्तों जय हिंद। भाई आज हम तुम्हें एक मजेदार खेल खिलवा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना और खेल का मजा लेना। गुरुजी इस खेल में हमारी मदद कीजिएगा। बच्चों मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? और आज हम यहाँ आए हैं तुम्हें खेल खिलाने के लिए। क्या कराने के लिए? अच्छा जब मैं तुमसे कहूंगा उठो रे उठो तो तुम सब खड़े हो जाना। क्या करोगे? और जब मैं कहूंगा बैठो रे बैठो तो क्या करोगे तुम लोग? जब मैं तुमसे कहूँ ना उठो रे उठो तो सब खड़े हो जाएंगे, और जब मैं कहूँ बैठो रे बैठो तो सब बैठ जाएंगे। और इसी तरह से जो भी मैं तुमसे कहूंगा तुम वही करना। अगर मैं हंसने के लिए कहूँ तो हंसना, रोने के लिए कहूँ तो रोना। हाँ, और भाई तुम लोग जो रेडियो पर मेरी बात सुन रहे हो ना तुम भी वही करना जो मैं कहूंगा। अच्छा तो अब शुरू करें ये खेल। उठो रे उठो, बैठो रे बैठो, तुम लोग भी बैठ जाओ। उठो रे उठो, तुम भी खड़े हो जाओ। बैठो रे बैठो, उठो रे उठो, हंसो रे हंसो, हंसो रे हंसो, बैठो रे बैठो, तुम सब भी बैठ जाओ। अच्छा उठो रे उठो, रो रे रो, तुम सब भी रोने लगो। रो रे रो, तुम लोग भी रो, तुम लोग भी। हाँ उठो रे उठो, हंसो रे हंसो, बैठो रे बैठो, तुम भी बैठ जाओ। हाँ अच्छा अब लेटो रे लेटो। हाँ तुम लोग भी लेट जाओ ठीक। हाँ देखो कुछ लोग अभी नहीं लेटे हैं। अच्छा बैठो रे बैठो, और अब ताली बजाओ रे ताली बजाओ, तुम सब भी ताली बजाओ। हाँ बच्चों अब भैया तुम्हें मोर का खेल खिलाएंगे। किस चीज का? मोर का। तुम सबने मोर देखा है ना? हाँ जी। कैसा लगता है मोर? अच्छा। अपने सुंदर सुंदर पंख खोलकर वो जब नाचता है तो कैसा लगता है? बड़ा मजा आता है ना? अच्छा अगर हम तुम्हें मोर बना दें तो कैसा रहे? अच्छा लगेगा ना? तो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाओ, और जैसा मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। ठीक समझ गए? हाँ जी। अच्छा तो अब उठो रे उठो, रेडियो पर सुनने वाले दोस्त भी खड़े हो जाएंगे। अच्छा तुम्हारे कंधे कहाँ हैं? ये है ना कंधे, तो अपने हाथ कंधों तक ऊपर ले आओ और उनको चौड़ा करके फैला लो। ठीक, और एक दूसरे से अलग हो जाओ, तुम बहुत पास पास खड़े हो। हाँ दोस्तों तुम भी अलग हो जाओ। हाँ थोड़ी थोड़ी दूर, मोर नाचेगा ना तो एक दूसरे से टकराएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बस बस बस। अच्छा तो अब तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर हैं, तो अब दाईं ओर झुक जाओ, और अब बाईं ओर झुक जाओ। तुम लोग भी दोस्तों ऐसा ही करते जाओ जैसा मैं कह रहा हूँ। अब फिर से बाईं ओर झुक जाओ और दाईं ओर झुक जाओ। तो अब इस तरह तुम लहरा रहे हो जैसे मोर नाचता है ना? तो जब हम मोर की तरह बन ही गए हैं तो क्यों ना हमें गाना भी गाते रहें साथ साथ। गाएंगे गाना? मोर मोर नाचो रे नाचो, मोर मोर नाचो रे नाचो,
मोर मोर नाचो रे नाचो, मोर मोर नाचो रे नाचो। बादल गरजते तो क्या तुम डरते नहीं? बादल गरजते तो क्या तुम डरते नहीं? बाग में नाचने जाते हैं और खुशियां मनाते हैं। कहां जाता है मोर? मोर डरता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हरियाली में तुम कहां छुप जाते? बैठ पेड़ पर खुशी मनाते। बैठ पेड़ पर खुशी मनाते। हरियाली में कहां छुप जाते? हरियाली। तुम लोग भी बोलो मेरे साथ साथ। बैठ पेड़ पर खुशी मनाते। बैठ पेड़ पर खुशी मनाते। अच्छा, तो अब बैठो रे बैठो। बैठो रे बैठो। अच्छा, ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। अच्छा भाई, तो एक और खेल खेलने के लिए तुम सब लोग तैयार हो? तो हम अपने साथ लाए हैं एक खेल, और जैसा मैं कहूंगा ना तुम वैसा ही करते जाना, और ध्यान से मेरी बात सुनना। कैसे सुनोगे मेरी बात? हाँ, और सुनने वाले बच्चों से भी मैं यही कहूंगा कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही करना जैसा मैं कहूंगा। तो सबसे पहले उठो रे उठो, सब दोस्त भी खड़े हो जाएंगे, और अब आगे को झुको। झुको आगे को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अपना उल्टा हाथ, उल्टा हाथ कौन सा है तुम्हारा? ये वाला। अच्छा, अपना उल्टा हाथ अपनी कमर के पीछे नीचे को ले जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे। सुनने वाले दोस्त भी अपनी कमर के पीछे अपना उल्टा हाथ नीचे को ले जाएंगे। और सीधा हाथ कौन सा है तुम्हारा? ये वाला। अच्छा, तो अपना सीधा हाथ थोड़ा आगे करते हुए नीचे को फैलाओ। ध्यान से सुनो, अपना सीधा हाथ आगे करते हुए नीचे की तरफ फैलाओ। ठीक वैसे ही जैसे हाथी की सूंड आगे लटकी रहती है। अब तुम क्या बन गए? हाथी बन गए। सुनने वाले दोस्त भी बिल्कुल ऐसा ही करें, और मेरे साथ साथ ये गाना गाते रहो। ठीक? हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया, पुलिया पर चढ़ गया रे हाथी, हाथी गया गन्ने के खेत में, हाथी ने चूसा गन्ना, पोखर से पिया पानी, कैसे पिया? सुड़ 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 सुड़, और फिर छोड़ी पिचकारी। हाथी आया, 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 हाथी आया। अब सब खड़े हो जाओ, और अब बैठो रे बैठो, और अब ताली बजाओ रे ताली बजाओ। बच्चों, तुमने पशु पक्षियों को देखा है? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या देखा है तुमने पशु पक्षियों में? तुम जानते हो? बस। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई बहुत कुछ देखा है तुम लोगों ने। अच्छा, तुम लोगों ने बत्तख को देखा है? हाँ जी। कैसे रंग की होती है बत्तख? और कहाँ रहती है? पानी में। अच्छा, बत्तख तैरती पानी में और गाती कैसे है? कैसे बोलती है? क्वैक 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 क्वैक। कैसे? अच्छा, और कौवा किस किसने देखा है? कैसे रंग का होता है कौवा? काले रंग का होता है। और बोलता कैसे है?
अच्छा चोंच से अपनी चीजें भी उठा कर ले जाता है ना वो? अच्छा खरगोश किस किसने देखा है? अब तुम्हें खरगोश बना दें हम? तो सब लोग हाथ और पैर जमीन पर मिलाकर खड़े हो जाएं, झुक जाएं नीचे और हाथ पैर जमीन पर मिलाकर खड़े हो जाएं। हाँ, और भाई जरा सिर अपना ऊपर रखो खरगोश की तरह, खरगोश का सिर तो ऊपर होता है ना। हाँ दोस्तों, तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करो और अब अपने सिर को हिलाओ। हाँ तुम लोग भी अपने सिर को हिलाओ और अब खुद को, क्योंकि तुमने देखा है ना खरगोश कैसे चलता है, खुदक खुदक कर, खुदक खुदक कर। हाँ बस बस, अच्छा अब सब खड़े हो जाएंगे। हाँ और आज ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। अब हम तुम्हें बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ कैसे बोलती हैं। हाँ अच्छा, मैं हूँ मोटर पौ पौ पौ। कैसे बोलती है मोटर? बस अच्छा, रेलगाड़ी किस किसने देखी है? दो पटरियों पर दौड़ती है रेलगाड़ी बड़ी जोर से, कैसे दौड़ती है? हाँ ऐसे दौड़ती है और सीटी भी बजाती है। अच्छा भाई रेलगाड़ी हो गई खत्म, ठीक बस रेलगाड़ी खत्म। और बैलगाड़ी देखी किसी ने? अच्छा उसमें कितने बैल लगे होते हैं? दो बैल लगे होते हैं। और जो बैल का चलाने वाला होता है वो कैसे करता है? हाँ ऐसे ही करता है बिल्कुल। अच्छा और टांगा किस किसने देखा है? टांगे में कौन सा जानवर लगा होता है? घोड़ा। अच्छा घोड़ा कैसे चलता है जरा बताओ। अच्छा हवाई जहाज देखा है किसी ने? अच्छा हवाई जहाज कैसे चलता है जरा जोर से। हाँ ऐसे ही चलता है। और साइकिल होती है ना दो पहियों वाली साइकिल, उसमें छोटी सी घंटी लगी होती है। हाँ कैसे बोलती है? हाँ अच्छा, अब भाई बड़ा मजा आ रहा है खेल में, तो अब खेल खत्म, हंसो रे हंसो। अच्छा बताओ कैसा लगा खेल? अच्छा लगा, तो फिर ताली बजाओ रे, ताली बजाओ। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।